आप देख रहे हैं अदीप सिंह यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आज मैं आपको क्लास से चैप्टर इंटीजर एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन सिखाऊंगा और ये बताऊंगा बच्चों कि हम एक्सरसाइज 6.3 को कैसे। लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा आपको। जैसा कि हमने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि इंटीजर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, और हमने ये भी बताया था कि कैसे हम नंबर को ऐड करते हैं, किस तरह से हम दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे, और जब हम दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो उसका साइन प्लस होगा, जब हम दो नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो उसका साइन माइनस होगा, और जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो उनके बीच में जो साइन होगा प्लस या माइनस का वो उस वैल्यू पर डिपेंड करेगा जो वैल्यू बिग है। काम हमेशा सब्ट्रैक्शन का होगा वहां पे, लेकिन जो साइन होगा वो या तो प्लस होगा या माइनस, डिपेंड करेगा कि वह कौन सा नंबर है जो उन दोनों में बिगर वैल्यू रखता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि दो नेगेटिव नंबर का हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे या हम उनके बीच में एडिशन कैसे करें। एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि हम कभी भी सब्ट्रैक्शन ना करें, हम हमेशा ऐड ही करें, नॉर्मल प्रोसेस तो यही हो। तो उसके लिए समझिए कहता क्या है कि द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज द सेम एज द एडिशन ऑफ इट्स एडिटिव इनवर्स। अब यहां पे एक वर्ड आया है एडिटिव इनवर्स। दूसरा ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन जब आप करते हो वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आप ऐड करते हो। तो ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये बात कि भाई सब्ट्रैक्शन ऐड कैसे हो सकता है, और अगर ऐड सब्ट्रैक्शन है तो फिर सब्ट्रैक्शन है क्यों। पहले समझते हैं एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है। देखिए एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि पॉजिटिव का इक्वल वैल्यू में निगेटिव वैल्यू निकालना। अगर मैं कहता हूं एडिटिव इनवर्स ऑफ प्लस 4 तो इसकी वैल्यू आती है -4, और अगर मैं कहता हूं एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 तो इसका मतलब होता है +10। तो अब आपने क्या देखा कि एडिटिव इनवर्स ऑफ +4 इज -4, एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 इज +10। तो अब जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको यह कहता हूं कि हमारे पास 35 -10 है, हमारे पास 35 -10 है। तो अब ये देखिए जो माइनस के बाद 10 है वह पॉजिटिव नंबर है, और मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 35 +-10। मैंने क्या किया कि 10 का एडिटिव इनवर्स निकाल के यहां पे लिख दिया -10। तो 10 का एडिटिव इनवर्स -10 होगा। और अब आप देखिए कि आपने जो पिछले अध्याय में किया था एक्सरसाइज 6.1 और 2 के अंदर में, कि आपको यह बताया गया था कि एक पॉजिटिव और निगेटिव नंबर के बीच में हम ऐड कैसे करते हैं। तो हम ऐड करते हैं, लेकिन क्योंकि एक पॉजिटिव और निगेटिव नंबर है तो काम हमेशा सब्ट्रैक्शन का होगा, लेकिन सिंबल हमने क्या लगाया यहां पर, ऐड का लगाया। तो 35 में से आप 10 को माइनस कर दीजिए, क्या आंसर आएगा आपके पास, 25। अब ये 25 पॉजिटिव होगा या निगेटिव, पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि 35 10 से ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो इसी कंसेप्ट को हम एक्सरसाइज 6.3 में चेक करेंगे और समझेंगे। तो आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन का ए, क्वेश्चन नंबर वन में ए में क्या दिया हुआ है, 35 -20 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो आप यहां पे लिखोगे 35 - एडिटिव इनवर्स ऑफ 20, एडिटिव इनवर्स ऑफ 20। तो ये आपका हो जाएगा 35 - मतलब 35 + not -, 35 + एडिटिव इनवर्स ऑफ 20। तो ये हो गया 35 + -20, और अब क्योंकि प्लस और माइनस, यहां पे माइनस का साइन है यहां पे प्लस का साइन है, तो काम क्या होगा, काम हमेशा सब्ट्रैक्शन का होगा। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, यहां पे रिजल्ट आ गया 35 में से 20 को माइनस कीजिए तो हमारा 15 आ जाता है। ठीक है, और सिंबल क्या होगा, क्योंकि 35 20 से बिगर वैल्यू है इसलिए वो प्लस सिंबल रह जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है 32 - 90। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, हमें यहां पे लिखना है 72 + एडिटिव इनवर्स ऑफ 90, एडिटिव इनवर्स ऑफ 90। तो जब आप इसको एडिटिव इनवर्स ऑफ 90 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 72 + -90।
अब आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर है, तो आप क्या करेंगे, 90 में से बच्चों 72 को माइनस कर दें, तो 0 में से 2 नहीं कर पाओगे, तो 1 कैरी ले लो, 9 से 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 क्या होता है बच्चों, 8 होता है, और यहाँ 8 माइनस 7 क्या होगा, 1। अब सवाल उठता है कि आप प्लस दोगे या माइनस, पिछले अध्याय मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार ध्यान करें, 90 की वैल्यू, यहाँ पे माइनस साइन को इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए, तो 90 72 से बड़ा वैल्यू है, और 90 के साथ क्योंकि निगेटिव साइन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ भी आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बच्चे दिया हुआ है कि -15 -18। अब -15 -18 दिया हुआ है, तो क्या करोगे, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही सोचा है, यहां पे -15 को रहने दो, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दो, और इस वाले माइनस का हम क्या लिख देंगे, एडिटिव इनवर्स, क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ क्या लिखेंगे, -18, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -18 क्या हो जाएगा बच्चों, -15 प्लस 18 हो जाएगा, वेरी गुड, +18 हो जाएगा, और हमें पता है कि प्लस साइन हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, हम नहीं भी लिखे तो नंबर पॉजिटिव काउंट होता है। ठीक है बच्चों, तो अब 18 में से 15 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे आ गया 3, और इस -15 को थोड़ी देर के लिए माइनस साइन को हटा के देखिए, तो 18 और 15 में बिगर वैल्यू कौन है, 18 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, यानी कि +3 लिख देंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है बच्चों कि -20 -13। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यहां पे लिखोगे आप -20 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 13, क्या लिखोगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 13, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 प्लस, और 13 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। अब आप देखिए, दो नेगेटिव नंबर आपके पास आ गए, तो दो नेगेटिव नंबर के बीच में ऑपरेशन क्या करना है, प्लस का करना है, तो दोनों को सिंपली जोड़ दीजिए, तो 20 प्लस 13 क्या होता है, 33 हो जाता है। साइन क्या दोगे, दोनों नेगेटिव नंबर है तो साइन हमेशा माइनस का कैरी होगा, ये याद रखना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पीछे वाला वीडियो को चेक कर सकते हो इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है, लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और लिंक आपको यहां भी मैं दिखा दूंगा, आप यहां पे भी क्लिक करके पिछले अध्याय को चेक कर सकते हो, उसके सॉल्यूशन को और उसके कंसेप्ट को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ई क्वेश्चन, 23 -12, ठीक है, 23 -12, तो क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे 23 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -12 लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 23 प्लस, और -12 क्या हो जाएगा हमारा, +12 में कन्वर्ट हो जाएगा, -12 क्या होगा हमारा, +12 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारा +12 में कन्वर्ट होगा, तो 23 +12 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं था, चलो मैंने लिख दिया तो कोई बात नहीं है, ये हमारा हो जाएगा 325 एंड 213, यानी कि 35 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, एफ क्या दिया हुआ है, -32 -40। ठीक है, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्या लिखूं मैं, -32 प्लस, हाँ बताइए, ओके, एडिटिव इनवर्स ऑफ, हाँ एडिटिव इनवर्स ऑफ -40 लिखेंगे, सॉरी एडिटिव इनवर्स, इनवर्स वर्ड लिखना भूल गया था मैं यहाँ पे, एडिटिव इनवर्स ऑफ -40, तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, -32 और यहाँ पे प्लस, और एडिटिव में -40 क्या आएगा हमारा, +40 आ जाएगा। अब ये प्लस और ये निगेटिव है, तो साइन क्या काम क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा, 40 में से 32 को माइनस कर दीजिए 8, और 40 ज्यादा है 32 से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने आपके लिए क्वेश्चन 1 पूरा कंप्लीट सॉल्व कर दिया। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके आप इसको समझ सकते हैं और खुद से बना के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल साइन। हमें क्या करना है, साइन फिलअप करना है, या तो वो ग्रेटर देन साइन होगा या लेस देन साइन होगा या इक्वल साइन होगा। ओके, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, -3 प्लस -6, ओके, और यहां पे फिलअप्स दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है -3 -6। ठीक है बच्चों, तो आइए इसके फिलअप्स को चेक कर लेते हैं, ये क्या होगा। अब -3 यहां पे प्लस साइन दिया हुआ है या माइनस साइन दिया, इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वल टू, हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, यहां पे एक बॉक्स बना देता हूं मैं आपके लिए, ये क्या हो जाएगा हमारा -9 बॉक्स,
अब ये देखिए, ये माइनस थ्री है तो यहाँ पे अगर मैं प्लस का साइन दे दूं तो ये सिक्स क्या हो जाना चाहिए, प्लस हो जाना चाहिए, यानी कि इसका एडिटिव इनवर्स हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो माइनस सिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। तो अब जरा देखिए, माइनस नाइन और ये प्लस और माइनस दोनों साइन है, तो काम क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्शन का ही करोगे ना, तो सब्ट्रैक्शन कर दो, और सिक्स क्योंकि बिगर है थ्री से तो साइन प्लस का हो जाएगा। अब देखिए, माइनस नाइन थ्री से क्या होता है, नेगेटिव नंबर, हमेशा पॉजिटिव नंबर से क्या होता है, स्मॉलर वैल्यू होता है, तो यहाँ पे सिंबल क्या आ जाएगा, लेस देन साइन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बी क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है, माइनस ट्वेंटी वन ओके, माइनस माइनस टेन यहाँ पे फिलिप्स दिया हुआ है, और उसके बाद आपके पास दिया हुआ है माइनस थर्टी वन ओके, प्लस माइनस एलेवन। देखिए, जहां प्लस का साइन दिया हुआ है ना बीच में, वहां को सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां माइनस का साइन दिया है उसको एडिटिव इनवर्स में कन्वर्ट करके ही हम सॉल्व करेंगे, हमारा प्रोसेस ही यही रहेगा इस एक्सरसाइज में। तो माइनस ट्वेंटी वन, इस माइनस को प्लस कर देते हैं, तो इस माइनस टेन को क्या लिखना पड़ेगा, प्लस टेन लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टेन का नेगेटिव इनवर्स लेना पड़ेगा, हमने यहाँ पे प्लस करने की कोशिश की है, माइनस को प्लस में कन्वर्ट किया है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे बॉक्स बना दो, और ये देखो ये माइनस थर्टी वन और ये प्लस माइनस एलेवन रहने दो, चलो इसको हम बाद में देखते हैं, दोनों को साथ में कर लेते हैं। यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, तो माइनस ट्वेंटी वन में से टेन को माइनस करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस एलेवन आ जाएगा। क्यों माइनस एलेवन, क्योंकि ट्वेंटी वन बिगर है टेन से। चलिए अब यहाँ पे बॉक्स देखिए, ट्वेंटी वन बिगर है टेन से, माइनस ट्वेंटी वन नहीं कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, माइनस थर्टी वन और माइनस एलेवन है, तो काम क्या होगा, एड का ही होगा, लेकिन सिम्बॉल माइनस का होगा, तो थर्टी वन और एलेवन क्या होता है हमारा, फोर्टी टू हो जाता है। अब देखिए, नेगेटिव नंबर में जो स्मॉल वैल्यू होते हैं, यानी कि माइनस वन, माइनस वन जो है वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है नेगेटिव का। ठीक है, तो माइनस फोर्टी टू क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो माइनस एलेवन क्या हो गया, इसमें फिलअप्स में क्या आ जाएगा, माइनस एलेवन इज बिगर देन माइनस फोर्टी टू। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है फोर्टी फाइव ओके, फोर्टी फाइव माइनस माइनस एलेवन, यहाँ पे फिलअप्स दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा हमारा 57 प्लस माइनस 4। ठीक है बेटा, तो आइए इस क्वेश्चन को देखें। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 45 लिख लेता हूँ, इस माइनस को प्लस कर देता हूँ, तो फिर इसका एडिटिव इनवर्स लिखना होगा माइनस 11 का, क्या बताया, प्लस 11, बिल्कुल सही बताया आपने, कि माइनस 11 का एडिटिव इनवर्स प्लस 11 होता है, वेरी गुड। अब यहाँ 57 है, प्लस माइनस 4 रह देते हैं, अब चले दोनों को साथ में इधर भी कैलकुलेट करते हैं, इधर भी कैलकुलेट करेंगे। अब ये 45 भी पॉजिटिव है, 11 भी पॉजिटिव है, ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, 516 और 415, 56 आ गया, और यहाँ पे 57 प्लस माइनस 4 है, तो यानी कि आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो 57 में से 4 को माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 53 पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि 57 है। अब 56 क्या है, 53 से बिगर वैल्यू है, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर डी है, उस क्वेश्चन नंबर डी को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है माइनस 25 माइनस माइनस 42, और यहाँ पे फिलिप्स आया हुआ है, और फिर आया हुआ है माइनस 42, और यहाँ भी आया हुआ है माइनस माइनस 25। चलिए ठीक है, यहाँ दोनों जगह पे माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं माइनस 25, इस माइनस को मैं प्लस में लिख देता हूं, तो फिर माइनस 42 का एडिटिव इनवर्स लेना होगा, तो माइनस 42 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 42 होगा, वेरी गुड। यहाँ पे फिलिप्स ले लिया, इस माइनस 42 को ऐसे ही लिख लेते हैं, अब इस माइनस को प्लस कर दिया, तो इसके बाद वाले का एडिटिव इनवर्स लेना होगा, क्या नंबर है, माइनस 25, तो क्या हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा, वेरी गुड। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, माइनस 42 और प्लस 40, सॉरी माइनस 25 और प्लस 42 है, तो 42 में से 25 को क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे, तो माइनस कर दो, 12 में से 5 गया तो 7 बच गया आपके पास, और 3 में से 2 गया तो 1 बच गया आपके पास, लेकिन अब यहाँ पे 42 बिगर है माइनस 25 से, तो प्लस 70 नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, माइनस 42 और 25 है, तो वैल्यू तो यहाँ भी 17 आएगा, लेकिन ये प्लस माइनस में 42 की वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस साइन आ जाएगा। अब 17 क्या है, माइनस 70 से बिगर वैल्यू है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 भी आपको समझा दिया मैंने, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बच्चों, अगर समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके आराम से समझ सकते हो, और कभी कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, आप कमेंट कीजिए, आप हमें बताइए कि हमें इस टॉपिक में डाउट है, यहाँ पे डाउट है, इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि ये उस डाउट्स का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी बीच में क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, चलिए फिर से फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस 8 प्लस, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मतलब ये आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी नंबर इसमें हम ऐड कर दें
-8 के साथ, ताकि रिजल्ट जीरो आ जाएगा। तो अब आप बताइए -8 में आप कितना ऐड करोगे, नेगेटिव -8 है तो उतना ही नंबर ऐड कर देते हैं, उसका पॉजिटिव ऐड कर देते हैं एडिटिव इनवर्स। तो -8 का एडिटिव इनवर्स अगर 8 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहां पे सिंपली हो गया, मैं लिख दूंगा -8 प्लस यहां पे 8 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जो नंबर दिया है उसी का निगेटिव एडिटिव इनवर्स आपको डाल देना है यहां पे। -8 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, +8, तो +8 आप इसमें लिख दीजिए सिंपली, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स और नंबर इसका जब सम होता है वो हमेशा जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है। अगर मैं कह दूं 5 और 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5, अब इनके बीच में ऐड करके देख लो ये जीरो आएगा आपको। तो नंबर एंड इट्स सम ऑफ नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज जीरो, बिल्कुल ठीक है, लिख दूं। चलो समझ जाओगे आप इसको, थैंक यू। आई तो क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है अब 13 प्लस, अब यहां पे फिलिप्स दिया हुआ है इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही कहा आपने, यस। क्या होगा, ये हो जाएगा 13 प्लस, और 13 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -13, तो -13 इज इक्वल टू जीरो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, 12 प्लस -12 इज इक्वल टू खाली जगह दिया हुआ है, तब 12 है और -12 क्या है, इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है, बिल्कुल सही बताया आपने। तो 12 प्लस -12 तो फिलिप्स क्या हो जाएगा, फिलिप्स में जीरो हो जाएगा हमारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर डी दिया हुआ है -4 प्लस फिलिप्स दिया हुआ है इज इक्वल टू -12। अब यहां पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, अब -4 में आप कितना ऐड करोगे तो आपको -12 आ जाएगा। तो -12 में सोचने को 4 को माइनस कर दो, -4 में क्योंकि निगेटिव नंबर है, तो हम क्या करेंगे यहां पे -4 और प्लस, अब -4 में हमें कितना ऐड करना है तो -12 आएगा, तो -8, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे पास, ये फिलिप्स दिया हुआ है, फिलिप्स -15 इज इक्वल टू -10 दिया हुआ है। तो अब देखिए यहां पे -15 में से कितना माइनस करें, मतलब किस में से कितना माइनस करें तो हमें -10 आएगा। अब देखिए -15 में आप क्या ऐड करोगे तो -10 आएगा, तो इसका एक तरीका ये भी है, ठीक है, कि आप इस फिलिप्स को यहीं रख लो और -10 को अपने पास रखो और इसका एडिटिव इनवर्स इधर डाल दो, एडिटिव इनवर्स क्या आएगा -15 का, +15 आएगा। अब 15 में से 10 को माइनस कर लो तो क्या आ गया तुम्हारा, +5 आ गया। तो ये जो आंसर होगा वो क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया +5, जो फिलिप्स का आंसर आएगा +5 हो गया। अब इक्वल टू के आपने इधर ले गए ना, तो इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, -15 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, +15 होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लें, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। यहां पे आपको क्या कह रहा है, फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करना है भाई, तो यहां पे सबसे पहले मुझे फाइंड करना है -7 -8 -25। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट लगा दीजिए, पहले नंबर में आप कोई शेरकानी मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, यहां -7 है दीजिए। अब इस माइनस को मैं प्लस में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब है 8 का मुझे एडिटिव इनवर्स लिखना पड़ेगा, तो क्या होगा -8 होगा। अब इस माइनस को भी मैं प्लस में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब है इसका भी एडिटिव इनवर्स लिखना पड़ेगा, तो क्या होगा -25 का एडिटिव इनवर्स +25, ठीक है। अब दो निगेटिव नंबर है आपके पास, तो पहले इन दोनों निगेटिव नंबर को ऑपरेट कर लेते हैं, -7 -8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -15 हो जाएगा +25। अब देखिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव नंबर है, तो काम सब्ट्रैक्शन का होगा, तो 25 में से 15 को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 25 15 से बिगर वैल्यू, इसलिए +10 ही रह जाएगा आंसर आपका, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, -13 प्लस 32 -8 -1, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, -13 को तो हम कुछ नहीं कहेंगे, इसको एज यूजुअल रख लेते हैं। अब ये +32 को +32 रहने दे, लेकिन इस माइनस को हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्योंकि मैंने माइनस को प्लस में कन्वर्ट किया, तो इस 8 का एडिटिव इनवर्स लिखना पड़ेगा, तो क्या आएगा -8 आएगा। इस वाले माइनस को भी मैं प्लस में कन्वर्ट कर देता हूं, तो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। आइए जरा पॉजिटिव निगेटिव नंबर को एक साथ ऑपरेट कर लेते हैं, या इसको पहले ग्रुप अप कर लेते हैं, -13 प्लस -8 प्लस -1
एंड प्लस 32 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए माइनस माइनस सारे माइनस नंबर हैं, तो 13 प्लस 8 कितना होता है 21, 21 प्लस 1 क्या होगा 22, लेकिन ये सारे माइनस नंबर है इसलिए माइनस 22 होगा, ओके, एंड प्लस 32। अब आपके पास एक पॉजिटिव एक निगेटिव नंबर है, तो सब्ट्रैक्शन का काम कर लीजिए, 32 में से 22 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि 32 बिगर वैल्यू है, तो प्लस 10 ही रह जाएगा आंसर आपका, ओके, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सी, क्या दिया हुआ है, माइनस 7 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 90, ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो यहां पे कहीं आपको एडिटिव इन्वर्स करने की जरूरत नहीं है, सारे नंबर दे रखे हैं और प्लस साइन के साथ दे रखे हैं, तो आप सिंपली ऑपरेट कर दीजिए, माइनस 7 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 90, सभी निगेटिव नंबर है, आप गौर से देखिए सारे निगेटिव नंबर है, सबको ऐड कर दीजिए, तो 8 प्लस 7 क्या होगा 15 होगा, और 15 प्लस 90 क्या होगा 105 होगा, तो 105 क्या होगा मेरा निगेटिव वैल्यू होगा, तो माइनस 105 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के एक्सरसाइज का, ओके, तो 50 माइनस माइनस 40 माइनस माइनस 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहां पे 50 को रख लो, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करो, तो माइनस 40 का एडिटिव इनवर्स लिखना होगा, ठीक है, तो माइनस 40 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यस प्लस 40 होगा। अब इस माइनस को भी प्लस में कन्वर्ट कर दो, तो माइनस 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस 2 होगा। अब आप देखो आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर है, तो 50 प्लस 40 क्या होता है 90, 90 प्लस 2 क्या हो जाएगा बेटा 92 होगा, ये आपका आंसर आ गया। तो फाइनली आपको मैंने एक्सरसाइज 6.3 के सारे क्वेश्चन बता दिए, समझा दिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं, दो बार देख लें, तीन बार देख लें, उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट करें, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं बंद कर रहा हूं, अगले वीडियो में मैं आपके साथ